से अपन E1 और A2 की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी E, इसको मैं E भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका E is equals to E1 की वैल्यू देखो, E1 कितना है KQ, तो KQ अपॉन R माइनस A स्क्वायर और माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है KQ अपॉन R प्लस A स्क्वायर, R प्लस A स्क्वायर। अब देखो यहां से अपन ने क्या कर लिया, KQ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ अपने पास क्या वैल्यू लेफ्ट रही, 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन R प्लस A स्क्वायर, ये वैल्यू लेफ्ट रही। अब देखो मैं इसका क्या ले लूं एलसीएम, तो यहां अपने पास क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू KQ R माइनस A स्क्वायर और R प्लस A स्क्वायर, और यहां अपने पास में क्या बचेगा, यहां आ जाएगा R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर। नेक्स्ट में बात करूं तो अपने पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो इससे नेक्स्ट आगे की बात करें अपन, तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इसके बाद देखो इसका R माइनस R प्लस A और R माइनस A का अपन क्या करेंगे होल स्क्वायर जो है ओपन कर लेंगे, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, E इज इक्वल्स टू KQ और इसका स्क्वायर अपन ओपन करेंगे तो ये जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR और नीचे क्या हो जाएगा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस का, e इज इक्वल्स टू अपन ने लिख दिया KQ, ये हो गया आपका 4AR अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 4AR को अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने इसको लिख दिया 4AR इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2A इंटू R, तो ये अपने पास क्या हो गया देखो, दूसरी चीज ये अपन जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू 2A, तो देखो Q है और यहाँ 2A को मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा P, तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू K और 2KPR अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। अब एक बात देखो अपन ने नेक्स्ट एक बात करनी है, अपन ने कहा कि भाई ये पॉइंट A और B थे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था यहाँ क्या था प्लस क्यू चार्ज, ये मिड पॉइंट O था, तो ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी A, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितनी थी A, O से लेकर के अपन ने क्या कहा था कि पॉइंट जो एक्सेल लाइन के ऊपर पॉइंट P था उसकी डिस्टेंस कितनी थी भाई, ये थी R। अब एक बात देखो ध्यान से, अपन ये कह रहे हैं कि भाई A जो है वो इस R की एवज में बहुत ही कम है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं एज A इज लेस देन एंड लेस देन R, देन R A स्क्वायर को R स्क्वायर की कंपैरिजन में अपन क्या कर लेंगे, अगर अपन इसको नेग्लिजिबल काउंट कर लेंगे, देन ए स्क्वायर कैन बी डिटरमाइंड नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ आर स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज लेस एंड लेस देन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको इक्वेशन 5 से भाई ई इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ इसको अपन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो कह देंगे, तो ये हो जाएगा 2KPR अपॉन आर टू दी पावर कितनी हो जाएगी 4, अब ये कैंसिल करेंगे इसको कि कितनी पावर बचेगी 3, अब 3 बचेगी, अब अपन क्या कहेंगे E इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास 2KP अपॉन R टू दी पावर 3, और इसको K की वैल्यू पुट अप करूं तो K की वैल्यू क्या होती है अपन जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, इसको अपन ने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 6। अगर मैं वेक्टर नोटेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर अपॉन R क्यूब R कैप, R कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर,
और अब यहाँ से एक चीज अपन देखें कि भाई इक्वेशन सिक्स और इक्वेशन सेवन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट जो पी था अपना, यहाँ जो पॉइंट अपन ने पी कहा था, ये पॉइंट यहाँ पी था, इस पॉइंट पी के ऊपर ये क्या नेट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन सिक्स और सेवन से अपन एक बात क्लियर कर रहे हैं कि ई जो है वो आर टू द पावर क्यूब के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन सिक्स एंड सेवन आर द इक्वेशन।